अभी आइए। दोस्तों आज हमारी मंत्रालय में बैठक हुई, क्योंकि रेट को लेकर हम काफ़ी समय से सब लोग संगठित होकर कार्य कर रहे थे। तो आज संयुक्त संघर्ष समिति ने वहां मुलाकात की, वहां ऑटो वाले भी थे, टैक्सी वाले, काली पीली वाले भी थे, सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। तो मेरे साथ हमारे साथी कुछ हैं, तो उनसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और हमने वहाँ क्या क्या दिया। तो सावंत जी आप बताएँ, जो बाकी लोग थे ऑटो टैक्सी ऑटो वाले, काली पीली वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ऑटो वाले तो कह रहे थे कि हमें अपना रेट नहीं चाहिए, हमारा जो रेट है उसी पे हम लोग संतुष्ट हैं। और सेम वो काली पीली वालों का भी यही रेट है, कहना है। बाकी जो बात रखी गई हुई है कि हमारा जो मिनिमम टू मिनिमम जो किराया बने वो 25 रुपए से नीचे ना जाए, ठीक है जी। और स्टैंड्स के बारे में बात किया कि वहाँ पे बताया गया कि 1 RTO वाले जो भी हम टैक्सी वाले, हम लोगों को स्थान की जगह नहीं है जहाँ पे कहीं पर भी पैर फैलाकर सो जाते हैं, तो एक निर्धारित को स्थान दिया जाए, ठीक है जी। सचिन जी आज की जो बैठक मंत्री जी हुई उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने कोई रिस्पांस दिया? रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल्द ही वो करेंगे अपने काम को और ड्राइवर भाइयों को निजात मिलेगी और उन्हें अपना प्रॉपर रेट मिलना शायद जल्दी मिल जाएगा उनको रेट उनका प्रॉपर, और शायद हो सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँ। आपने आज क्या महसूस किया कि मीटिंग में हमने खास क्या बोला? सर मेरा नाम कुमारपाल है और आज जो मीटिंग हमारी हुई है, जो मीटिंग हमारी हुई है उसके अंदर हमारे पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत जी का हमारे तरफ एक अच्छा आकर्षित रहा, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपके रेट के ऊपर सुनवाई की जाएंगी। और जो ओला उबर कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाने की बातें की गई हैं, स्टैंड बनाने की बातें की गई हैं, उन चीज़ों पर उन्होंने बड़ी गहराई से सुना है, उन बातों को उन पर अमल भी किया है कि इन चीज़ों के ऊपर हम आपके लिए कोई अंगाज भी रखेंगे। और प्लस ये ऑटो टैक्सियां जो रेट ना बढ़ाने के लिए पे अपना समर्थन लेके आई थी, तो उसके अंदर कुछ ड्राइवरों का ये कहना है कि रेट ना बढ़े, मगर जैसे CNG के रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसके हिसाब से रेट बढ़ने चाहिए। वो रेट ना बढ़ने के कारण ही आज ये मतभेद सा हो रहा है। जिस प्रकार से अभी 11 तारीख को प्रदर्शन किया गया था, वो प्रदर्शन का असर जैसा कि आपको देखना पड़ा कि शायद दिल्ली के अंदर प्रदर्शन रहा था, 18 तारीख को जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं उससे पहले सरकार ने हमारी बातों पर कईयों पर सुनवाई की है, और आने वाले टाइम पे लगता है कि ये बातें बहुत अच्छी तरह से सरकार हमारी करके देगी। इसके लिए हम कैलाश गहलोत जी का तय दिल से धन्यवाद भी करते हैं। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जो प्रयास किया, जो हमारा 11 तारीख को बंद था, उस बंद का असर ये था कि दिल्ली सरकार ने हमें बुलाया, हमसे पूछा गया कि कैसे कैसे क्या आप चाहते, तो हमने कहा कि हमारे पास काली पीली टैक्सी, 1Z गाड़ी और 1 RTO ये गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर। 20 के पास प्रॉपर स्टैंड हैं, वो स्टैंड से प्रीपेड बूथ से चलते हैं, उनको सवारी मिलने का चांस रहता है। जो 1 RTO गाड़ियां हमारी हैं उनके पास कोई स्टैंड नहीं है और ना ही उनका कोई मीटर यूज़ करता है, वो सारा का सारा ओला उबेर पे आधारित है। हमने जहाँ सरकार को रेट दिया कि जब पहली रेट बढ़े थे तो 39.90 रुपये रेट था CNG का, आज 69.11 रुपये रेट हो गया है। तो इसके हिसाब से आप रेट तय करें। उन रेटों के ऊपर मंत्री जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं कहा जी हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आप रेट लागू करें उसी दिन पेपर के अंदर एक रेगुलेशन, एक ऑर्डर पब्लिश कर दें कि कोई भी गाड़ी बिना मीटर के नहीं चलेगी। अगर उस गाड़ी में ऐप से चलती है, ओला उबेर से चलती है या कोई और ऐप से चलती है, अगर वो ऐप वाला उस मीटर के बराबर पैसा नहीं देगा तो उसके लिए उस ऐप बेस्ड कंपनी को फाइन और जुर्माना होना चाहिए। इस पर मंत्री ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं कहा जी एक सर्कुलर आप निकालते हैं, वो सर्कुलर से आप जो मेन कंपनियां हैं उन एग्रीगेटर्स को आप यहां से मेल कर दें, उनको 15 दिन का समय दे दें कि 15 दिन के अंदर आप अपने ऐप के अंदर ये प्रावधान कर लें, और जब भी हमारी CNG का रेट बढ़ेगा तो आप साथ साथ एक रेगुलेटरी बिठा दें जो ऑटोमेटिकली 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये तक जो रेट बढ़ता है उस 1 रुपये रेट बढ़ने से साथ ही हमारा रेट बढ़ जाना चाहिए और 1 रुपये कम होने से हमारा रेट घट जाना चाहिए। ये बातें आज हमारी हुई हैं। तो मंत्री ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो हमने उनसे एक ही बात की कि बस के अंदर एक गरीब आदमी जाता है जिसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। लग्जरी अगर बात करते हैं तो मेट्रो है, जिनको लगता है कि AC में जाना वो मेट्रो में जाते हैं, जहाँ बस के अंदर 6 रुपये में जाता आदमी
आदमी 5 रुपये में जाता है, 10 रुपये में जाता है, वहीं मेट्रो के अंदर 50 रुपये में जाता है, उसको अपनी सुविधा लगी। इसी प्रकार कोई सिगरेट बीड़ी और शराब पीता है तो लग्जरी एक उसका शौक हो गया, तो टैक्सी में जाना भी उसका शौक है। टैक्सी में रेट बढ़ता है तो वो आदमी अफोर्ड वही करेगा जो टैक्सी में जाना चाहता है। आज रिक्शे की सवारी, ऑटो की सवारी टैक्सी में चली जाएगी तो रिक्शे वाले कैसे गाड़ी अपना कमाएंगे, ऑटो वाले कैसे अपनी रोजी कमाएंगे। टैक्सी को टैक्सी का भाड़ा मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो परिवर्तन आने वाला है, जो आगे आने वाले समय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी तभी आ पाएंगी जब हमें पूर्ण रेट मिलेगा। अगर हमें रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग ना तो गाड़ियाँ कन्वर्ट कर पाएंगे और ऐसा ऐसा समय आने पर बेरोजगार होते चले जाएंगे। धन्यवाद साथियों।